हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो फ्रेंड्स पार्ट फोर में आप लोगों का स्वागत है इससे पहले फ्रेंड्स हमने कम्प्रेंशन के तीन पार्ट कवर कर लिए हैं उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट Uh, अगर आप माने तो 44 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया था ये कम्प्रेंशन का 51 से क्वेश्चन स्टार्ट है इसलिए हम यहाँ से कवर करेंगे एंड देन इसके बाद जब हम बनाएंगे वो उसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस को डील कर लेंगे ये हमारा कम्प्रेंशन का लास्ट पार्ट होगा मैंने फ्रेंड्स स्मॉल एंड सिंपल वीडियोस रखे हैं जो कि आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं जो उस भी आपको क्वेश्चन लगता है मैं सेट ए डिस्कस कर रहा हूं ठीक है ना आई आई थिंक मैंने अभी तक इससे पहले वीडियो में नहीं बताया था बट आप उसको नोट कर लीजिएगा मैं उसमें भी डाल दूंगा आपके ठीक है तो फ्रेंड्स पढ़ते हैं फिफ्टी वन क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज गिवन अब एफिकेसी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वुड बी बेटर इन ऑनलाइन मोड ऑफ कंडक्टिंग क्लास रूम ट्यूशन एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल मेथड ठीक लग रही है बात अवेलेबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन कैन बी मेड इजियर एंड चीपर विदाउट डायल्यूटिंग द कंटेंट तो ये तो फ्रेंड्स कहीं मुझे लगता नहीं इस पैराग्राफ में इस तरीके की बात होगी या कुछ भी है बट ये स्टेटमेंट ठीक नहीं लग रही वी नीड नॉट टू इन्वेस्ट कि भाई पैसा हमारे को पैसा नहीं खर्च करना इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो ये तो फ्रेंड्स बिल्कुल उल्टी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो आई एडुकेशन की फील्ड में बहुत इन्वेस्ट करना है अभी कोविड के टाइम पर कितनी परेशानी हुई उसी के बाद प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट इन हायर एजुकेशन एज वेल कोचिंग स्टूडियो कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड ट्राई वेल ठीक है ना तो अगर पैराग्राफ से रिलेटेड ये बात होगी तो ठीक है नहीं तो ये स्टेटमेंट हमारा कट जाएगा और आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट तो पढ़ लेते हैं क्या बोलता है बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइक हार्वर्ड एंड एम आई लग्जरी है उनके पास लग्जरी होती है फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब कि भाई अब आप कहीं से भी एनी वेयर क्लासरूम को एक्सेस कर सकते हैं रीज़न क्या है ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स डल गए हैं ठीक है ना अब ज़रूरी नहीं कि भाई आप वीज़ा लगवा कर यू जाएंगे क्योंकि वो जो यू में लेक्चर था वो अब आप इंडिया में बैठ भी देख सकते हैं प्रोफेसर गाइड द डिस्कशंस एंड फिल इन वेर एवर नेसेसरी एक्सप्लेनिंग दूस बिट्स दैट सीम टू बी एल्यूडिंग द स्टूडेंट्स थ्रोइंग एन एडवा एडवांस आइडियाज दैट हैपन टू बी टॉपिकल द दे आर ऑल्सो इंकरेजिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इंटीग्रेट दिस ऑनलाइन कोर्स इन टू देर ओन पेडेगरी पिकिंग द पीसिज दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर देर नीड्स एंड बिल्डिंग अ पैकेज अराउंड देम तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स अगर आप देख रहे हैं तो टेक्नोलॉजीज और जो क्लासरूम के बारे में उसी से रिगार्डिंग में बात कर रहे हैं उसी की एफिकेसी के बारे में बात कर रहे हैं कहीं तक भी इन्होंने प्राइवेट कोचिंग सेक्टर के बारे में बात नहीं करी तो आंसर हमारा क्या हो जाना चाहिए आंसर हो जाना चाहिए ओके okay. okay. चलिए फिर नेक्स्ट पैसेज है फिफ्टी टू वो क्या बोलता है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्लुंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज अब गिवन अब तो क्या बोल रहा है आर सिटीज नीड टू बी हैव वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विद सफिशेंट ऑटोनॉमी ठीक लग रही है कहीं ना कहीं हर तक बात हो सकता है ये भी आंसर एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ अ हिंड्रेंस कि भाई जो पॉपुलेशन बढ़ रही है यही हिंड्रेंस है तो कहीं ना कहीं तक फ्रेंड्स ये बात तो बिल्कुल उचित नहीं है एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड ऑफ डेवलपमेंट इज वैल्यूएबल ठीक है भाई पी, -पी, पी है पर अगर हमारे इस पैराग्राफ से रिलेट नहीं होगा तो ये हमारा कोई भी नहीं होगा स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट क्या टू मेंटेन एंड डेवलप आर सिटीज़ वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंटरवेंशन ठीक है ना तो ये भी कई हद तक हमारी बात ठीक लग रही है तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बिना पैसेज पढ़े हमने दो एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर लिया जिससे अब हमारा जो फोकस होगा वो सिर्फ उन्हीं स्टेटमेंट पर होगा जो हमने चूज़ करी हैं अभी इसमें से ए और सी है बाकी हम पैराग्राफ पढ़ के उसको एलिमिनेट कर लेंगे देखिए फ्रेंड्स चार में से दो करना कितना हमारे को आसान लगा और दो में से एक करना और भी आसान हो जाता है ठीक है ना बजाय कि आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपके पास ये शब्दों का जाल घूमेगा और उसके बाद आपको चार में से एक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है ठीक है तो आप ये भी एक सुझाव है इस तरीके इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए हो सके मैं आपको गारंटी नहीं कर रहा फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि अगर प्रीवियस पार्ट्स के आपने देखे होंगे लेक्चर तो इवन मेरे भी आंसर्स फ्रेंड्स रॉन्ग हुए हैं इस एनालिसिस के बाद भी बट देखिए इंसान गलतियों से ही सीखता है फ्रेंड्स अगर मैं भी सिर्फ सब की तरह कि भाई जो जिसकी आंसर की आ गई उसको प्रेजेंट कर दिया ठीक है ना कि भाई ये काट देते आप इसको काट देते तो ये आपका आंसर निकल कर आ जाता फ्रेंड्स इतना सिंपल नहीं होता है आप जिसने भी अभी तक जो बिगनर है या जो न्यू एक्सपरेंट है वो मेरी बात को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा Uh, इतना आसान नहीं होता है कि आप वहाँ पर जाकर इतनी आसानी से एलिमिनेट कर लीजिए कर लेंगे अब जब मैं आपसे जी के क्वेश्चन भी जो आगे डिस्कस करूँगा पूरे इसी तरीके से हिस्ट्री के अलग इकोनॉमिक्स के अलग कि किस किस तरीके से हम वहाँ पर क्या क्या चीज़ें सोचते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स का जम्बलअप हमारे माइंड में चलता है उस चीज़ को भी हमारे को ध्यान में रखना होता है तो ये पैसेज क्या बोलता है आर सिटीज आर एक्सट्रीमली वनरेरेबल टू क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ लार्ज कॉन्सट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मोर ओवर पॉपुलेशन डेंसिटीज आर इंक्रीजिंग इन दम बट वी हैव नॉट येट डेवलप द सिस्टम टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं तक क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहा है ठीक है इट इज द इंपॉर्टेंट टू एड्रेस द इशूज ऑफ एयर क्वालिटी ट्रांसपोर्ट दैट आर वाइटल टू आइडेंटिफाई द सस्टेनेबल सोलूशंस तो कहीं ना कहीं तक सस्टेनेबिलिटी की बात भी कर रहा है वी नीड टू इन्वॉल्व सिटीजनस इन सिटी प्लानिंग एंड क्रिएट एन इको सिस्टम दट मीट्स द नीड ऑफ द पीपल तो कहीं ना कहीं अगर फ्रेंड्स देखिए बात कर रहा है तो ये सिटीज़ को भी डेवलप करने की बात कर रहा है और सस्टेनेबिलिटी की भी बात कर रहा है तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊंगा तो फ्रेंड्स मैं सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंटरवेंशंस के साथ गया था हो सकता है फ्रेंड्स ये गलत हो बट अब कुछ नहीं हो सकता मैं ऑप्शन सी के साथ ही जाना चाहूँगा ठीक है बाकी आप प्रीवियस इनके देखिए इन्होंने डी किया हुआ है इस आंसर का ठीक है ना हो सकता है इनका कोई अपना रीज़न रहा होगा अगर ये भी कुछ वीडियो बनाकर कमेंट करें अपना वीडियो शेयर कर सकते हैं तो ये प्लीज़ कर सकते हैं ठीक है चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पैसेज है सिक्सटी वन ठीक है तो फ्रेंड्स इसका भी हम उसी तरीके से करेंगे नॉर्मल तरीके से जैसा हम लोगों ने किया तो कुछ फ्रेंड्स जो जंबल अप हो जाता है कहीं कही ना कहीं तक आपको अब आप जैसे ये क्वेश्चन है मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि देखिए इसमें मुझे भी क्या कैच आया था या मुझे भी क्या इशू आए थे जो कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था क्योंकि देखिए फ्रेंड्स मैं अगर एक बात आपको बताऊं जैसे मैंने भी कुछ दिन एग्जाम से पहले ही जैसे कुछ जैसे आप लोग भी देखते हैं ट्रिक्स की वीडियोस तो इसको देखने का फ्रेंड्स मैंने अपने एक्सपीरियंस में एक डिसएडवांटेज देखा रीज़न क्या था कि जो हम ये वीडियो देख लेते हैं तो इससे हमारे को लगता है कि जो यू पी दे रहा है ना ये तीनों उसमें से कोई ना कोई तो गलत है ही है हम ये एक तरीके से एज्यूम कर लेते हैं कि भाई कोई ना कोई स्टेटमेंट तो गलत होगा तो मतलब हम काटने की कोई ना कोई स्टेटमेंट की कोशिश करते हैं जबकि भाई अब मान लीजिए यहाँ पर सारी ऑल ऑफ द अबव भी तो है एक तरीके से वन टू थ्री तीनों भी तो सही हो सकती हैं तो फ्रेंड्स मैंने अपने अटेंड में ये देखा और आई थिंक इन वन ऑफ द जीएस क्वेश्चन हो सकता है इसी क्वेश्चन में भी इस चीज़ का डिसएडवांटेज मुझे उठाना पड़ा और मान लीजिए मैंने किसी एक स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दिया जबकि वो रॉन्ग नहीं थी और उसकी वजह से मेरा आंसर रॉन्ग हो सकता है ठीक है बट इट विल डिपेंड अपॉन द आंसर कि भाई क्या और हो सकता है वो सही भी हो वो तो फिर आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा विद रेफरेंस टू द अब पैसेज द फॉलोइंग एक्जशन हैव बीन मेड हमने ये वाली सारी पूर्व धारणाएं बना रखी हैं क्या क्या मॉडर्न डेमोक्रेसी रिलाई ऑन द मार्केट फोर्सेज टू प्रोवाइड देम टू द वेलफेयर स्टेट्स ठीक है जी कहीं है तक बट मार्केट एंडश्योर सफिशेंट इकोनॉमिक ग्रोथ इज नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसीज टू बी इफेक्टिव तो कहीं ना कहीं तक फ्रेंड्स ये भी बात ठीक है बट मैं आपको बताऊं देखिए मुझे ये मैंने एग्जामिनेशन में इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दिया था अब आप ये जान सकते हैं कि अगर मैंने इसको रॉन्ग कर दिया होगा तो मैंने ये एलिमिनेट कर दिए होंगे सिंपल से ठीक है अब मुझे देखने को मिल गया कि भाई थ्री ऑप्शन तो है ही है मुझे वन चूज़ करना था वन को मैं पहली ओके okay कर दिया था थ्री क्या था गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर नीडिड फॉर दूस हु लेफ्ट बिहाइंड इन द इकोनॉमिक ग्रोथ तो अब हो सकता है कि पर आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब तक इस चीज़ में कि थ्री 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 इसका मतलब क्या हुआ इसका आंसर थ्री तो था ही ठीक है ना चाहे थ्री ओनली होता थ्री होता थ्री थ्री तो आपको था ही तो ये तो आपकी परमानेंट है ठीक है ना इसको तो एक तरीके से उन्होंने ऐड करके आपको कन्फ्यूज़ किया आपको तो सिर्फ वन एंड टू में से ही देखना था अब तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं तो हम ऑप्शन से भी ये चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं कि भाई अगर एक ऑप्शन ऐसा है जो सब में आ रहा है तो उसको तो आप साइड बाय साइड करिए उसमें तो आप अपना दिमाग मत लगाइए कि भाई ये ऑप्शन में ये सही है या गलत है वो तो आपको देखना ही नहीं भाई वो तो सही है वो तो बोल ही रहा है वो तो एग्जामिनर नहीं बोल दिया कि भाई ये स्टेटमेंट तो ठीक है तुम बाकी देख लो ठीक है जी तो अब हम फ्रेंड्स वो पढ़ लेते हैं कैन अ डेमोक्रेसी अवॉइड बिंग अ वेलफेयर स्टेट फॉर लॉन्ग वाई कैन नॉट मास वेलफेयर बी लेफ्ट एंटायरली टू द मार्केट देर इज़ अ बिल्ट इन टेंशन बिटवीन द मार्केट एंड डेमोक्रेसी मार्केट डू नॉट वर्क इन वन पर्सन टू वन वोट और इस तरीके से बात कर रखा है कि भाई मार्केट रिवार्ड करता है इंडिविजुअल की इनिशिएटिव को भाई क्योंकि देखिए मान लीजिए कि कोई फ्रेंड्स कोई पढ़ा लिखा बिजनेसमैन नहीं है पढ़ा लिखा है पढ़ा लिखा नहीं है पर एक बिजनेसमैन है तो वो अपनी स्किल्स से यूज करके क्या वो इनकम जनरेट कर सकता है क्या वो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सकता है तो वो यही वो पैराग्राफ कहना चाह रहा है ठीक है ना सो स्किल फॉर्मेशन टेक्स टू लॉन्ग बाई क्रिएटिंग जॉब्स मार्केट में बी एबल टू हेल्प इवन अनस्किल पीपल बट कैपिटलिज्म हैज ऑलवेज विटनेस बस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है ना तो अब देखिए मॉडर्न मोटा जो इसने बात करी कहीं ना कहीं मॉडर्न डेमोक्रेसी की भी बात करी मार्केट सफिशेंसी की भी बात करी तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं आपकी थ्री ठीक था मैंने स्टेटमेंट टू गलत कर दिया था और वन करेक्ट करा मैंने तो इसका मतलब क्या हुआ मैं किस ऑप्शन के साथ गया मैं वन एंड थ्री के साथ गया हूँ हो सकता है फ्रेंड्स अब ये डिपेंड करता है कि क्या रहेगा ठीक है जी चलिए विच वन ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू ये हमारा लास्ट थर्ड क्वेश्चन होगा आई थिंक हाँ ठीक है ना उसके बाद इसके बाद दो हमारे और क्वेश्चन होंगे कंपनीशंस के उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा ओके चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज गिवन अबव स्कूल करिकुलम इज़ नॉट कंपेटेबल तो फ्रेंड्स इस तरीके के तो स्टेटमेंट एक्सट्रीम हो जाता है ये तो करेक्ट नहीं लग रही एम्फेसिस ऑन एकेडमिक अचीवमेंट डज गिव टाइम डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी कि भाई हमारे को एकेडमिक अचीवमेंट्स पर एम्फेसिस uh, एसिस देना पड़ेगा ठीक है प्रिपेयरिंग द चिल्ड्रन टू बेटर सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ठीक है जी टू बी बेटर सिटीजन द प्रेजेंट वर्ल्ड अदर ऑर्डर डिमांड्स सोसाइटल एंड लाइफ कॉपिंग स्किल्स इन एडिशन टू एकेडमिक कॉन्टेंट तो फ्रेंड्स कुछ हद तक अगर देखा जाए तो इसमें ज़्यादा वजन लग रहा है कि भाई सोसाइटल एंड लाइफ कॉपिंग स्किल्स चाहिए आपको कि सिर्फ एकेडमिक कंटेंट नहीं हमारे को बहुत आसारी इन एडिशन टू एकेडमिक कॉन्टेंट भी स्किल्स चाहिए तो मुझे मुझे हद तक अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई बिना पैराग्राफ पढ़े अगर मुझसे कोई बोले कि भाई आपको इसमें से कौन सी स्टेटमेंट चूज करनी है तो मैं डी के साथ जाना चाहूँगा ठीक है चलिए बाकी एक बार पढ़ लेते हैं कहते हैं इन आर स्कूल्स वी टीच आर चिल्ड्रन all that is there to know about physics maths and history and what have you do but what do we teach them about the bitter caste divide that plagues the country bhai ek tarike se jo caste ka jo division hai wo aap ko ek tarike se bimari ki tarah phail gaya hai hamare desh mein to kya hum unko physics maths ye to padhate hain but jo जो society में हो रहा होता है वो तो ये सब चीज़ें हो रही होती है तो अब आप देखते हैं कि भाई इक्वलिटी इंपॉर्टेंट डू वी टीच देम टू आस्क क्वेश्चन की भाई हम उनसे कहते हैं कि भाई आप हमसे क्वेश्चन पूछिए जनरली जो चिल्ड्रन होते हैं क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको सब अवे दूर भागना चाहते हैं तो कहीं हद तक ये भी बात ठीक नहीं है हेयर ही शी इज स्वेप्ड अप इन अ टर्मोइल ऑफ आइडियाज़ तो ये सब बातें बोल रहा है तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हद तक देखिए तो पैराग्राफ कहीं ना कहीं हद तक यही बोल रहा है कि भाई आपको एक बेटर सिटीज़न बनना है तो आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स होनी चाहिए ठीक है तो मैं डी ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगा आप हमारे फ्रेंड्स लास्ट टू क्वेश्चंस बचे हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन एंड सेवेंटी टू सेवेंटी मतलब बेसिकली लास्ट थर्ड बोल सकते हैं क्योंकि जो सेवेंटी टू पैराग्राफ है उसी से ही आपको क्या करने हैं दो क्वेश्चंस को आंसर करके चलना है तो ठीक है आप इसको बोल सकते हैं दो पैसेज थ्री आंसर ठीक है ना और जनरली फ्रेंड्स जब अगर इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं तो भी आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप एक बार क्वेश्चंस पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद आप पैसेज को एनालाइज कीजिए देखिए पैराग्राफ कितना छोटा सा है बट उससे ही आपसे दो क्वेश्चंस पूछ लिए गए ठीक है ना तो जनरली कुछ स्टूडेंट्स इस तरीके से कहते हैं कि भाई आ, सर बहुत बड़ा पैराग्राफ आते हैं तभी दो तीन क्वेश्चन बनते हैं तो फ्रेंड्स ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कोई ऐसा पैटर्न नहीं है फिक्स ठीक है ना ये टू में जब पेपर शुरू हुआ था तब इस तरीके का पैटर्न फॉलो हुआ था अगर आप लोगों ने पास्ट ईयर पेपर्स की एनालिसिस करी है डीपली तो आप मेरी बात है जो भी ये सुन रहा होगा आप लोग ये समझ पा रहे होंगे ओके चलिए तो क्वेश्चन सेवेंटी वन पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स uh, इसमें मैं भी थोड़ा सा कन्फ्यूज हुआ था बी एंड सी स्टेटमेंट के रिगार्डिंग में अब वो डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट सम ऑफ द पैसेज गिवन अबव वेल्थ जनरेशन इज़ द प्राइमरी मोटिव ऑफ द ह्यूमन एंडेवियर तो कहीं ना कहीं तक फ्रेंड्स ये बात ठीक नहीं लगी वेल्थ जनरेशन इज बेस्ड ऑन द रिस्क टेकिंग बिहेवियर ऑफ सम मैन तो ये भी मुझे स्टेटमेंट ठीक नहीं लगी ठीक है अब हम बी और सी में से चूज कर लेते हैं स्पेस वेदर स्पेस इन सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस विल गवर्न आर फ्यूचर इकोनॉमी कि भाई जो आजकल स्पेस में इतना सब काम हो रहा है यही कहीं ना कहीं हमारी फ्यूचर इकोनॉमी को गवर्न करेगा ह्यूमन बींग्स आर मोटिवेटेड टू एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर्स प्रिंसिपली बाई इकोनॉमिक कंसिडरेशन ठीक है ना तो ये दो बातें हैं अब किस आंसर्स के साथ में गया ये भी हम डिस्कस करेंगे ठीक है ना तो सबसे पहले एक बार हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं मिडिवल मर्चेंट्स ने क्या किया था रिस्क द हजार्स ऑफ सिल्क रोड टू रीच द मार्केट ऑफ चाइना पोर्टुगीज कैरेवल्स इन द फिफ्टीन सेंचुरी से लिए हिस्ट्री से एक तरीके से रिलेट कर रहा है आपका फ्रेंड्स हिस्टोरिकली द ड्राइवर फॉर ओपनिंग फ्रंटियर्स हैज़ ऑलवेज बीन सर्च फॉर रिसोर्सेज क्योंकि वो रिसोर्स के लिए जाते रहते थे साइंस एंड क्यूरियसिटी आर वीकर ड्राइवर्स द ओनली वे टू ओपन अप स्पेस वेदर द स्पेस ऑफ सोलर सिस्टम और इंटर स्टेलर स्पेस इज टू क्रिएट एन इकोनॉमिक इंजन दैट इंजन इज रिसोर्स एक्सटेक्शन ठीक है तो अब अब देखिए फ्रेंड्स स्पेस की भी बात कर दी इन्होंने इकोनॉमी की भी बात कर दी ठीक है ना तो बट अब आप सोच सकते हैं इसको किसके साथ आप जाएंगे मैं इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन बी के साथ गया था और अगर हम डिपेंड कर देखें कि जो एग्ज़ामिनर हैं जो जो ये बच्चे ने जिसने सॉल्यूशन किया देखिए वो सी के साथ गया है मैं आपको बता ही रहा था कि भाई कहीं ना कहीं अब तक बी और में सी में से ही कोई ऑप्शन होगा तो उन्होंने सी ऑप्शन को चूज़ किया हो सकता है फ्रेंड्स वो ठीक हो है ना बट अब देखिए जो मैंने ऑप्शन करेक्ट किया मैंने आपको सामने वो रख दिया है ठीक है ना चलिए ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैं आंसर्स को देख के अपना आंसर बदल लूँ सिर्फ आपके लोगों के लिए इंप्रेशन ठीक करने के लिए तो फ्रेंड्स ऐसा झूठा झूठ जुट को सच दिखा कर भी क्या फ़ायदा होगा और मजे की बात देखिए इसी तरीके से बातें हमारी ये पैराग्राफ से डील कर रहा है द आइडिया विच द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज मैंशन इज एग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाइज डिस अबाउट टेलिंग लाइज डिस अबाउट टेलिंग द ट्रूथ एंड डिस अबाउट द हार्म इन टेलिंग द ट्रूथ तो फ्रेंड्स अगर आपने देखा कि भाई इस तरीके की जब स्टेटमेंट आती है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिमाग में आ जाता है तो मैं आपसे प्रेफर करूँगा कि आप इसकी थोड़ी सी एक बार हिंदी पढ़ लीजिए असत्य बोलने के संबंध में सहमति असत्य बोलने के संबंध में असहमति सत्य बोलने के संबंध में असहमति सत्य बोलने के संबंध में असहमति सत्य बोलने के होने वाली हानि के संबंध में असहमति ठीक है ना तो मुझे लगता है अभी शायद थोड़ा सा मुझे धीरे धीरे बोलना चाहिए था बट कोई बात नहीं आप उसको आराम से थोड़ा सा पॉज करके भी आप इसको अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है फ्रेंड्स तो प्लीज़ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा मार्केट में जाकर आप उसको परचेज़ कर लीजिए क्योंकि फ्रेंड्स उसके बिना आप कॉशियसली और एडवांटेजली इसका जो एनालिसिस है वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे तो आ, आ, क्या कहता है एग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाइज ठीक है ना डिस एग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाइज कि भाई झूठ बोलने के लिए झूठ बोलने से तो आपको डिसएग्री करना चाहिए ना तो कुछ हद तक बात ठीक लग रही है चलिए सच बोलने के लिए डिसएग्रीमेंट थोड़ा ना होता है ऐसी तो इसके लिए आपने देख लिया बी के साथ गए हम विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैबिट्स इज फाउंड मोर ओफन इन गुड पीपल जो गुड पीपल होते हैं उसमें क्या होता है एक्टिविटीज़ में क्या वो सच को छुपा लेते हैं ऐसा नहीं होता क्या वो फैक्ट्स को झूठ बताते हैं नहीं इंटेंशनल मिक्स जानबूझकर मिक्स करते हैं नहीं क्या वो मिक्स करते हैं ट्रू एंड फाल्स तो फ्रेंड्स मैं इसके साथ जाना चाहूँगा अगर हम हिंदी पढ़ना चाहें तो देखिए उन लोग उन्होंने बी के साथ गए कि सत्य के साथ अभि सभिप्राय साभिप्राय मिकसित करना और ये था सत्य और असत्य को विकसित करना तो जबकि गुड पीपल की बात कर रहा था और इंटेंशनल मिक्सिंग करना और उन्होंने बी के साथ गए तो फ्रेंड्स ये उनकी विश होगी बट मैं ऑप्शन ए के साथ गया था अब एक बार हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं मोस्ट पीपल हुड वुड एग्री दैट टेलिंग डेलीबरेट लाइज इज रॉन्ग एक्सेप्टेप्स इन सर्टन स्पेशल सिचुएशंस वेयर मोर हार्म विल भी डन बाई टेलिंग द ट्रूथ उन्हें लगता है कि भाई सच बोलने से ज़्यादा हनी आ, मतलब नुकसान होता है इवन द मोस्ट ट्रथफुल पीपल प्रोबेबली टेल अ गुड मेनी मोर लाइज दैट माइट बी रिगार्डिड ए सीमेंटिक लाइज दे आर यूज ऑफ वर्ड्स कॉन्टेंट सम मेजर ऑफ फॉल्स हुए बोल रहा है सम मेजर ऑफ फॉल्स हुड ठीक है ना कुछ होता है ऐसा नहीं कह रहा है इंटेंशनली कि कहीं बात नहीं हो रही ठीक है ना मोर और लेस डेलीबरेट अब लास्ट में बोल दिया कि भाई मोर और लेस क्या होता है वो डेलिब्रेट होता है तो हो सकता है फ्रेंड्स कि ये वाली बात जो थी कि भाई आपका इंटेंशनल की बात हो हो सकता है ठीक हो बट मैं ऑप्शन ए के साथ गया था ठीक है तो फ्रेंड्स तो, इसी के साथ हमारी ये पूरा कवर हो जाता है ठीक है सेवेंटी थ्री क्वेश्चन तक हमने कवर अप कर लिया है ठीक है अब बाकी आंसर की पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स आपने देखा कि देखिए एग्जाम प्रेशर होता है या कुछ भी वर्ड्स अगर जैसे मान लीजिए अब मैंने एग्जामिनेशन अब जैसे डेलीब्रेट है इस वर्ड पर मैं आज अब फोकस कर रहा हूँ बट फ्रेंड्स वहाँ पर रूम पे जब हम थे तो उसको मैंने लाइटली लिया होगा शायद अगर डेलीबरेट पर मेरा भी फोकस जाता तो शायद मैं भी, भी कर देता और अगर मान लीजिए इसका ए आंसर होता तो मेरा भी गलत हो जाता अब मैंने ए करा और इसका बी आंसर हो जाएगा तो मेरा भी गलत हो गया ठीक है ना तो देखिए ये सब डिपेंड करता है कि आपने उस टाइम पर आपके जो माइंड में है वो किस तरीके से प्रेशर था क्या क्लिक किया उस पर सोलली डिपेंड करता है ठीक है ना तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये हमारा कॉम्परेशन खत्म हो जाता है आपको आगे की जर्नी के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक्स बोलना चाह बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ प्लीज़ प्रिपेयर कर लिए सेंसेरली हार्डवर्क कीजिए मेहनत कीजिए उसका तो फ्रेंड्स कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं मिलेगा आपको बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज़ अगर आपको वीडियो को अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं ठीक है ना और अगर आपके कोई सजेशंस हैं अगर आप किसी पे बनाना चाहते हैं प्रायोरिटी बेसिस पर कि सर इकनॉमी के बना दीजिए तो मैं उसके वीडियो आपके पास लेकर आ सकता हूँ ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू